हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और आज की वीडियो खास तौर पे मेरे डेंटिस्ट फ्रेंड्स लोगों के लिए है। जो फ्रेश डेंटिस्ट मुझे देखते हैं उनके लिए बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि ये जो आज की वीडियो है इसमें मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट का जो रूट केनाल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट के साथ साथ मैं आपको लाइव केस दिखाऊंगा जिसमें मैंने पूरा ट्रीटमेंट किया है, एंड तक आपको रिजल्ट भी देखने मिलेगा। आते हुए मैं पहले प्रोडक्ट बता देता हूँ। ये प्रोडक्ट मुझे डेंटल कार्ट ने भेजा है फॉर रिव्यू करने के लिए भेजा है, ठीक है। तो ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट रिव्यू के लिए मेरे को भेजा गया है और मैंने ये यूज़ किया, मुझे कैसा लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस, ये दोनों प्रोडक्ट है, एक जेल फॉर्म में आता है RCT प्रेप वॉलडेंट का और ये है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। EDTA, ये EDTA पता ही होगा डेंटिस्ट लोगों को कि EDTA कितना इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो रूट केनाल प्रोसीजर के दौरान यूज़ आता है। ये क्यों यूज़ आता है? फॉर क्लीनिंग द कैनाल्स, हम कैनाल्स को क्लीन करते हैं इसको लेके, फॉर ल्यूब्रिकेंसी, ठीक है। तो मैं आपको गाइस बता दूं, ये दोनों का अलग अलग यूज़ है, ये दोनों का अलग अलग यूज़ है। जो नॉर्मल मैक्सिमम केसेस में आप EDTA यूज़ करते हैं वो इससे काम हो जाता है। ये जेल फॉर्म में रहता है, जस्ट यू हैव टू टेक दिस ऑन योर ग्लव्स और आप अपने फाइल से इसको यूज़ कर सकते हैं कैनाल को प्रॉपर क्लीनिंग करने के लिए, ठीक है। जो ये रहता है EDTA सॉल्यूशन जो लिक्विड फॉर्म में है, ये स्पेशली कब यूज़ आता है? जब आपको कैनाल जो है वो आप सही तरीके से जा नहीं पा रहे, अंदर कैनाल कैल्सीफाइड है या BMP करते समय लेज फॉर्मेशन हो गया है, आप सही तरीके से क्लीनिंग नहीं कर पा रहे, तो ऐट दैट टाइम आपको क्या करना है, लिक्विड को लेना है आपको, कॉटन में 2-3 ड्रॉप ले लीजिए और अच्छे से दांत के अंदर पुश कर दीजिए जिससे लिक्विड अंदर तक कैनाल में चले जाए। आप उसको टेम्पररी सीमेंटेशन करके पैक कर दीजिए और उसके बाद जब 2-3 दिन बाद आप रिकॉल करेंगे पेशेंट को तो आप देखेंगे कि आपको कैनाल में इजी एक्सेस मिल रहा है। तो ये दोनों का अलग अलग वर्क है, होप सो आपको समझ आया होगा। और गाइस, बाकी मैं स्पेशली इसी को मैं फोकस कर रहा हूँ, बाकी अगर और कोई रूट केनाल में तो बहुत सारे मटेरियल यूज़ होते हैं, आपको अगर डिटेल में वीडियो चाहिए या कोई टॉपिक में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसके लिए आगे वीडियो बना दूंगा। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट करें मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूं लाइव पेशेंट में और 0 to end आप रिजल्ट देखिए, ठीक है। तो अभी जिस दांत में रूट कैनाल करना है मैं आपको दिखा देता हूं। सो गाइज, आप ये दांत देख सकते हैं, है ना। इस दांत में हम लोअर मोलर में हम रूट केनाल प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज, रूट केनाल में सबसे पहला स्टेप, जो सबसे जरूरी स्टेप है, वो है एक्सेस ओपनिंग का। आपको अच्छे से एक्सेस ओपनिंग करना है जिससे आपको अच्छे से एक्सेस मिल सके हर कैनाल्स का। तो अभी मैंने एक्सेस ओपनिंग कर ली है, अब मैं जस्ट कैनाल में जा रहा हूं, आपको दिखाऊंगा, आइए। और कैनाल में जाने के लिए जो सबसे पहला मटेरियल जरूरी है, डायरेक्ट आप ऐसे फाइल से मत जाइए, ठीक है। आप सबसे जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो है ल्यूब्रिकेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं, EDTA बोलते हैं। तो ये मैं यूज करता हूँ, ये है वॉलडेंट का, हालांकि मैंने और भी कंपनी के यूज किए हैं लेकिन ये वॉलडेंट का भी मैं यूज कर रहा हूं और बहुत अच्छा रिजल्ट है इससे। तो इसको बस थोड़ा सा लेना है और चलिए हम इसको कैनाल्स में जाते हैं। सो गाइज, मैं अभी जो सबसे पहले कैनाल में जा रहा हूँ, MB में जा रहा हूँ, म्यूजियो बक्कल में जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये मैं गया हूँ MB में, म्यूजियो बक्कल में, ठीक है। फिर इसके बाद म्यूजियो लिंगुअल हम जा रहे हैं, दिस इज म्यूजियो लिंगुअल ML, एंड यहाँ पे अब जा रहे हैं हम। फिर से मैं ले रहा हूँ EDTA, ये जो मैंने RC हेल्प वॉलडेंट का लिया है, EDTA लिया, और ये मैं जा रहा हूँ डिस्टल में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया तीन, यहाँ पे 3 कैनाल्स है। तो ये मैंने, अब मुझे दिखाओ। सो गाइज, एक्सेस ओपनिंग होने के बाद कैनाल्स फाइंड आउट हो गई है, 3 कैनाल्स है, म्यूजियो बक्कल, म्यूजियो लिंगुअल एंड डिस्टल, ठीक है। अब आगे की प्रोसीजर हम करते हैं। सो गाइज, आगे की प्रोसीजर मैं बता देता हूँ क्या मटेरियल मैं यूज करने वाला हूँ। जस्ट मैं ये यूज करने वाला हूँ फॉर ल्यूब्रिकेंसी, ल्यूब्रिकेंसी होनी चाहिए और आपको EDTA यूज करना है। हालांकि EDTA में एक सॉल्यूशन भी आता है, बट ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, लेकिन उस कंडीशन में यूज करना चाहिए जब आपकी कैनाल बहुत ज्यादा कैल्सीफाइड है और आप ब्लॉकेज आ रही है और आप जा नहीं पा रहे, तो आप बढ़िया इसका यूज करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और नॉर्मल टीथ में आप ये फ्लोएबल EDTA यूज कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट है। और मैं ध्यान रखिए, जो मैं इसके साथ यूज करता हूँ, नॉर्मल सेलाइन यूज करता हूँ, इसमें बीटाडीन माउथ वॉश आप यूज कर सकते हैं फॉर डिसइंफेक्टेंट, एज अ डिसइंफेक्टेंट। मैं हाइपोक्लोराइड यूज नहीं करता हूँ, हाइपोक्लोराइड मैं यूज नहीं करता हूँ,
मैं सलाइन यूज करता हूँ और माउथ वॉश हो गया, क्लोरहेक्सिडिन हो गया एंड आपका बीटाडीन हो गया, इस तरह के कंटेंट्स में यूज करता हूँ सलाइन के साथ फॉर दिस एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो गाइस चलिए मैं रूट कैनाल की आगे की प्रोसीजर कंप्लीट करता हूँ, आपको आखिर रिजल्ट भी देखने मिलेगा। तो गाइस प्रॉपर रूट कैनाल जब भी आप कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर इरिगेशन जरूरी है, मैं पहले भी कहा फ्रीक्वेंट इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अभी मैंने प्रिपेयर करा है, अभी तक मैंने व्हाइट 6% व्हाइट से प्रिपरेशन किया, लास्ट प्रिपरेशन अब येलो 6% से करने वाला हूँ, कभी कभी रेड तक भी लगता है, बट इस कंडीशन में जो अभी कंडीशन है टूथ की, येलो प्रिपरेशन तक इनफ है। ये जस्ट इरिगेशन कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंट इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डन, क्लीन करो। सो एंड EDTA, विदाउट EDTA नहीं करता हूं मैं। सो दिस इज डिस्टर्ब, जस्ट वी हैव रिपोस्ट, ओके, जस्ट कीप इट, वापस से नाउ सेम पोजीशन में रखना, एमबी CML। सो गाइज यहाँ पे प्रिपरेशन हो चुका है फिनिश सक्सेसफुली, अब हम ऑब्चुरेशन करने वाले हैं, ये सिंगल विजिट में रूट कैनाल फिनिश करने वाला हूँ। ओके, सो गाइज यहाँ पे GP प्लेस हो चुका है, अब जस्ट मैं एक्सरे लेता हूँ, हम देख लेते हैं कैसा कंडीशन है अंदर का। सो फैंटास्टिक ऑब्चुरेशन हो चुका है, बहुत बढ़िया, अब जस्ट वी हैव टू सील इट। सो गाइज यहाँ पे हमारा रूट कैनल फिनिश हो गया है, जस्ट मैं टेम्पररी सीमेंट अभी लगा रहा हूँ, ऑब्चुरेशन हो चुका है। सो गाइज यहाँ पे रूट कैनल इनका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंफर्टेबल, मुंह बंद कर लो आप। सो गाइज अभी आपने प्रोसीजर देखा, होप सो अच्छा लगा होगा आपको, एंड लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस प्रोडक्ट के साथ जो मैंने यूज़ किया है ये। तो गाइज़ इसमें मैंने देखा कि जो मैं पहले यूज़ करा हूँ EDTA जेल फॉर्म में, वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते थे, और यहाँ पे मैंने ध्यान दिया कि मेल्ट नहीं होता जल्दी, तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज लगा मुझे इस EDTA का। तो आपको अच्छा लगे तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, डेंटल कार्ट में आपको मिल जाएगा। और होप सो गाइज आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ ऐसे टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं इस चैनल में, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।